बिसमीम दिस इज़ मुबा महरीन आई विल टीच यू सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑफ ग्रेड सेवन वी आर गोइंग टू डिस्कस आईसीटी फंडामेंटल्स आईसीटी किसकी टी है आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन दिस एसएलओ वी आर गोइंग टू कवर आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ हम इसमें देखेंगे कि फेरीफल डिवाइस क्या होती हैं हमारे पास डी गिवन है इस डी के अंदर कम्प्लीट मैथडोलोजी गिवन है कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ में आ जाए आसानी से इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ और मेथड्स डिस्कस किए गए हैं जो हमारा ये लेक्चर है वो भी इसी डी पे पी बेस करता है तो आप काइंडली इस डी को गो थ्रू कर लें पेरीफ्रल डिवाइसिस क्या होती हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं द टर्म पेरीफ्रल डिवाइस रेफरस टू ऑल हार्डवेयर कम्पोनेंट्स दैट आर अटैच टू द कम्प्यूटर एंड आर कंट्रोल्ड बाई द कम्प्यूटर सिस्टम बट दे आर नाट द कौर कम्पोनेंट्स ऑफ द कम्प्यूटर सच एज सी पी यू और पावर सप्लाई यूनिट ये डिवाइस ऐसी डिवाइसिस होती हैं जो कि कंप्यूटर के कोर कम्पोनेंट्स नहीं होती बट कनेक्ट की जाती हैं कंप्यूटर के साथ जिसके अंदर हमारे पास हैं माइक आ जाता है स्पीकर है प्रोजेक्टर है माउस है तो इनको हम कहते हैं फेरीफ्रल डिवाइसेस। कुछ हम इसको डिटेल में देख लेते हैं अ कंप्यूटर फेरीफ्रल इज़ एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड माउस इनपुट फेरीफ्रल वाइल अमिनीटर प्रिंटर आर आउटपुट फेरीफ्रल डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क यूएसबी ये भी इन्हीं डिवाइसेस के अंदर आती हैं ये कोर कंपोनेंट्स नहीं हैं कंप्यूटर के जस्ट कनेक्ट किए जाते हैं या तो इनपुट लेने के लिए या आउटपुट लेने के लिए माउस हमारे पास एक फेरीफ्रल डिवाइस है आइए देख लेते हैं कि माउस हमारे पास क्या है दिस माउस इज अ स्मॉल मूवेबल डिवाइस दैट लेट्स यू कंट्रोल अ रेंज ऑफ थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर मोस्ट टाइप्स ऑफ माउस हैव हैव टू टू बटन्स एंड सम व्हील ऑन इट मोस्ट टाइप्स ऑफ माउस कनेक्ट द कंप्यूटर विद अ केबल एंड यूज द कंप्यूटर्स पावर टू वर्क सम टाइप्स ऑफ माउस आर वायरलेस क्योंकि जिद्दत आ गई है तो पहले हम केबल्स वाले माउस यूज़ करते थे लेकिन अब हमारे पास वायरलेशस माउस भी हैं उसके साथ हमें एक छोटी सी पॉइंटिंग डिवाइस मिलती है जो कि सिग्नल्स कैच करती है और वो वायरलेस होती है तो अब हमारे पास दो तरह के माउस भी अवेलेबल हैं एक वायरलेस और एक विध केबल नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है कीबोर्ड कीबोर्ड क्या होता है अ की बोर्ड इज़ फॉर पुटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग लेटर्स वर्ड्स एंड नंबर्स ऑन टू यंप्यूटर यू प्रेस द इंडिविजअल बटन्स ऑन द की बोर्ड वैन यू टाइप द नंबर की इज़ अक्रॉस द टॉप ऑफ द कीबोर्ड आर ऑल्सो फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड द लेटर कीज़ आर इन देंटर ऑफ द की बोर्ड कीबोर्ड भी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टैक्सट लिख सकते हैं और हम नंबर्स प्रेस करते हैं की बोर्ड के ऊपर इसके अंदर एरो कीज़ होती हैं इसके अंदर फंक्शनल कीज़ होती हैं इसके अंदर हमारे पास सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं नंबरिंग मौजूद होती हैं तो ये डिवाइस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये नहीं होगी तो आप वर्क कैसे करेंगे आप टेक्स्ट कैसे लिखेंगे हम इस डिवाइस के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते ओके नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है मोनीटर मोनीटर क्या होते हैं मोनीटर वो होते हैं जो हमें डिस्प्ले दिखाते हैं सी के साथ कनेक्टेड होते हैं मोनीटर्स हमारे पास विजुअल कंप्यूटर डिस्प्ले है मोनीटर भी दो तरह के होते हैं पहले हमारे पास मोनीटर होते थे काफ़ी हैवी हैवी होते थे और उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता था क्यों क्योंकि वो कैथोड रे ट्यूब से बने होते थे और इतने हीवी मूव करने में बहुत मुश्किल होती थी और इनसफिशेंट थे तो अब हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू एल आ गई हैं बहुत पतले दुबले से मोनीटर्स होते हैं बारीक सी स्लाइड सी एक लाइन होती है और मैक आ गया है एप्पल की फॉर्म है हमारे पास तो ये बड़े आ, अच्छे और जदीद हैं इनमें ये फ़र्क है कि ये पतले होते हैं ईजीली मूवेबल होते हैं और इनमें रे ट्यूब्स यूज़ नहीं की जाती तो मोनीटर एक अहम पार्ट है पूरे सिस्टम का मोनीटर नहीं होगा तो हम डिस्प्ले नहीं देख सकते नेक्स्ट हमारे पास फेरीफ्रल डिवाइस में आ जाती है प्रिंटर प्रिंटर क्या होते हैं प्रिंटर्स आर आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस प्रिंटेड पेपर्स फ्राम द कंप्यूटर प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस टेक्सट एंड इमेज़ ऑन पेपर दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड कॉपी आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोग सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना पसंद नहीं करते तो उनको हार्ड कॉपी की ज़रूरत होती है तो यहाँ हमारे पास प्रिंटर की डिवाइस मौजूद है कि वो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में आप प्रिंट निकाल लें तो आपके लिए ईजीली रीडेबल हो जाता है तो बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज़ दे कैन क्लासीफाइड एज इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंटर्स की भी आगे दो टाइप्स हैं जिसके अंदर हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं नेक्स्ट हम डिवाइस देख लेते हैं कौन सी डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस स्टूडेंट स्टोरेज डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में सब फेमिलियर हैं कि यू क्या होती है फ्लॉपी डिस्क का जो ट्रेंड चलो ख़त्म हो गया है बट सी डीज़ यू ये हम सब फेमिलियर हैं और ये आजकल इतनी ज़रूरी हो गई हैं कि हर बंदे के पास अपनी पर्सनल यू तो है ही है यू को हम पेन ड्राइव भी कह देते हैं तो इन्होंने क्या डेफिनेशन है ये भी पढ़ लेते हैं अ हार्डवेयर डिवाइस विच कैन बी यूज़ टू स्टोर डिजिटल डाटा एंड एप्लीकेशन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ इमेज़ वीडियो ऑडियो ई टी सी इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसिस हम अब अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं हम समझी की तरफ आते हैं अफेरीफल डिवाइस इज़ अ सेकेंडरी डिवाइस यूज टू पुट इंफॉर्मेशन एंड गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अ कंप्यूटर इसके अंदर कुछ ऐसी डिवाइस इनपुट के लिए यूज़ होती हैं और कुछ आउटपुट लेने के लिए यूज़ होती हैं जिसमें हमारे पास माउस है कीबोर्ड है स्टोरेज डिवाइसेस हैं प्रिंटर्स हैं और मैनी मोर चलिए स्टूडेंट्स हमारी असेसमेंट क्या है हम अपनी पहली असेसमेंट देख लेते हैं वट आर द देरीफ्र डिवाइसिस हमने लेक्चर में डिस्कस किया है कि फेरीफ्र डिवाइसिस क्या होती हैं और हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की हैं सेकेंड हमारे पास वट इज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की ही आगे से हमारे पास ये कैटेगरीज हैं और आई uh, होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया है अगर कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं या अपने टीचर से जो हैं इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो